भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर मुखर संवाद की ओर से आप सभी दर्शकों और पाठकों को हार्दिक शुभकामनाएं। खूंटी में आइए, सैयद रियाज को यौन उत्पीड़न के आरोप में जेल भेज दिया गया। खूंटी एसडीओ पर हिमाचल की रहने वाली आईआईटी की छात्रा के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया है। पीड़ित छात्राओं ने एसडीओ पर एक पार्टी के दौरान किस करने के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का आरोप लगाया है। खूंटी जिले में इंटर्नशिप पर आई हिमाचल प्रदेश की रहने वाली आईआईटी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ के आरोप में जिले के एसडीएम को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार एसडीएम को फिलहाल तपकारा जेल भी भेज दिया गया है। ऐसे में ये कहा जा सकता है कि खूंटी जिले में एसडीएम ने जिस तरह से छात्रा के साथ व्यवहार किया वो प्रशासनिक अधिकारी के व्यवहार के बिल्कुल ही प्रतिकूल था। खूंटी के पुलिस अधीक्षक अमन कुमार ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश के आईआईटी से यहाँ इंटर्नशिप करने आई एक छात्रा के साथ 2 जुलाई को अपने आवास पर जोर जबरदस्ती और यौन उत्पीड़न करने के आरोप में खूंटी जिले में तैनात एसडीएम और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आईएएस अधिकारी पर आरोप है कि उसने 2 जुलाई को अपने आवास पर पीड़िता का यौन उत्पीड़न किया था और उसके साथ अभद्र व्यवहार भी किया। अपने इंटर्नशिप कार्यक्रम में यहां आए आईआईटी के छात्र छात्राओं को एसडीएम रियाज अहमद ने अपने आधिकारिक आवास पर 1 जुलाई को एक पार्टी में बुलाया था। पीड़ित छात्रा के अनुसार रात भर चली पार्टी के बाद जब वह अपने अन्य 2 साथियों के साथ 2 जुलाई की सुबह एसडीएम आवास से वापस जा रही थी तो अकेले होने का फ़ायदा उठाकर आईएएस अधिकारी ने उसके साथ कथित रूप से यौन उत्पीड़न किया। छात्रा ने घटना की सूचना स्थानीय महिला थाना में दी, लेकिन सोमवार शाम को पीड़िता के बयान पर एसडीएम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई और देर रात्रि ही रियाज को पुलिस ने ही हिरासत में ले लिया। पीड़िता समेत आईआईटी की 8 छात्राएं कई अन्य छात्रों के साथ इन दिनों खूंटी में इंटर्नशिप करने के लिए आई हुई थी। शनिवार की देर शाम एसडीओ आवास में इंटर्न के लिए डिनर की व्यवस्था की गई, जिसके बाद यह घटना हुई। एसडीएम रियाज अहमद के खिलाफ पुलिस ने खूंटी की महिला थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 और 509 के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। पूछताछ के लिए एसडीएम को हिरासत में ले लिया गया। वहीं पुलिस अधीक्षक ने बताया है कि आईएएस अधिकारी के खिलाफ दर्ज की गई प्राथमिकी में जमानती धाराएं ही लगाई गई हैं। जो यहाँ पे एक्सपोजर विजिट पे आई थी इंटर्न्स के लिए, हम लोग आईआईटी के भी हैं और ये लोग यहाँ पे 30 दिनों के लिए थी। यहाँ पे हम लोग करीब करीब 20 दिन हो चुके हैं और अपना इसका काम भी कर रहे थे उस टाइम पर। तो इस सब जुडिस हो गया है और कोर्ट में सीजीएल ने 164 के तहत बयान भी ले दिया है, तो लोकल भी हो गया, तो मामला पूरा न्यायालय के अधीन हो गया है, तो सब जुडिस बैठक हो गया, तो निर्णय वही सुन गया। बहुत धन्यवाद। ये इंसिडेंट को जो रिपोर्ट किया गया था कल हम लोग जानकारी में आई थी, जैसे ही मेरी जानकारी में आई कुछ इंटर्न्स यहाँ पर आए थे, उन्होंने रिपोर्ट जब किया तो हमने तत्काल प्रभाव से जिले के पुलिस कप्तान को बुला लिया और साथ में एक लेडी ड्यूटी मजिस्ट्रेट को बुला लिया और उनके सामने हमने ये सारी चीज़ें कुछ पूछी, तो उन्होंने क्लियर किया कि हमेशा तो इंसिडेंट हुआ है और अगर तो रिपोर्ट की तो पुलिस, तो हमने कहा कि अगर पुलिस को रिपोर्ट करना चाहते हैं तो थाना में आपको एप्लीकेशन देना पड़ेगा, उनको प्रोसीजर बता दिया गया, तो प्रोसीजर उनको प्रोसीजर फॉलो करने के लिए मिला गया। खूंटी जिले में तैनात रियाज अहमद ने जिस तरह से छात्राओं को अपने आवास पर बुलाकर पार्टी दी और उसके बाद से यौन उत्पीड़न किया, ये सवालों के घेरे में खड़ा होता है। ऐसे में सवाल ये भी होता है कि आईएएस अधिकारी ने आखिर उनको क्यों बुलाया था और इन छात्राओं ने रात भर पार्टी क्यों की थी, क्योंकि पूरे आवास पर रात भर पार्टी होती रही और जब कानून ये कहता है कि रात्रि 10 बजे के बाद किसी तरह के सार्वजनिक कार्यक्रमों के आयोजन पर
पाबंदी लगती है। ऐसी स्थिति में ये क्या कहा जा सकता है, इसकी कल्पना आप खुद ही कीजिए। मुखर संवाद के लिए खूंटी से ब्यूरो रिपोर्ट। मिनी लंदन मैकलुस्की गंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन HM पब्लिक स्कूल लोअर चुटिया नियर शिव मंदिर रांची। हम बनाते हैं बेहतर भविष्य। जब टूटती है आप, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।